रहमान रहीम, बहुत बड़ी अफसोस की बात है और बहुत बड़े दुख से ये बात कहनी पड़ती है कि जो आवरा के अंदर एक वाका पेश आया, आवरा के अंदर एक वाका पेश आया, बहुत बहुत अफसोस की बात और बहुत सदमे की बात, बहुत अफसोस ये बात कहनी पड़ती है कि ये वाका उस बच्चे के साथ, उस बच्चे ने क्या किसी का बिगाड़ा था, उस बच्चे ने किस किस्म के किसी का क्या बिगाड़ा था। मुझे बहुत अफसोस इस बात की है कि ये वाका हमारे इस आवरा के अंदर पेश आया। बहुत बड़ी दुख और बहुत बड़ी अफसोस और बहुत बड़े सदमे से ये बात कहनी पड़ती है कि हमारे इस कश्मीर के अंदर और हमारी इस सरजमीन पे ऐसे किस्म के वाकात पेश रोनुमा होते हैं, ऐसे किस्म के हालात पेश होते हैं। मैं अपने एसएसपी कुपवाड़ा से गुजारिश करता हूँ कि फौरी तौर जमार विच की इन्वेस्टिगेशन की जाए और डीसी कुपवाड़ा से मैं गुजारिश करता हूँ और जितनी एजेंसियां हैं, चाहे सीआईडी है, चाहे आईबी है, चाहे किसी प्रकार की एजेंसी है, मेरी उनसे गुजारिश है जनाब फौरी तौर इसकी तहकीकात की जाए, इसकी इन्वेस्टिगेशन की। मैं अपने कुपवाड़े की पुलिस को सलूट पेश करता हूँ, मैं उनको सलाम पेश करता हूँ कि उन्होंने फिर फोर इस डेड बॉडी को अडॉप्ट किया, इस डेड बॉडी को रिकवर किया। मैं अपने एसएसपी को फरक को सलूट पेश करता हूँ और जितने भी अफसर साहब पुलिस डिपार्टमेंट के डीसी साहब हैं, चाहे एसपी साहब हैं, उनको मैं सलाम पेश करता हूँ कि उन्होंने ये डेड बॉडी अडॉप्ट की। लेकिन बहुत बड़ी अफसोस की बात है जनाब, हमारे कश्मीर के अंदर इस किस्म के वाकात जो पेश आते हैं, इस किस्म के वाकात जो रहनुमा होते हैं, बहुत बड़ी अफसोस की बात है जनाब। मेरी हाथ जोड़ के यहाँ के एसपी साहब से गुजारिश है, एसपी साहब इस पे तहकीकात होनी चाहिए 100% और जो भी जुर्मदार है उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए, क्योंकि ये बच्चा है 6 साल का, इसने क्या बिगाड़ा है किसी का, इसने क्या किया है किसी के साथ। मेरी हाथ जोड़ के गुजारिश है डीसी कुपवाड़ा से, एसपी साहब से, फौरी तौर जनाब इस पे तहकीकात होनी चाहिए। इस पे तमाम जितनी भी एजेंसियां डीसी कुपवाड़ा की, मेरी उनसे गुजारिश है फौरी तौर जनाब इसको तहकीकात की जाए, जिसको जो मुजरिम है उसको फांसी तक, फांसी की सजा नहीं दिखते होंगे। ये बहुत बड़ा मसला जनाब है, हमारे इस कश्मीर में इस किस्म के हालात, इस किस्म के वाकत पेश नहीं आने चाहिए। मेरी हाथ जोड़ के डीसी कुपवाड़ा से गुजारिश है और जितनी भी एजेंसियां कुपवाड़ा की, मेरी उनसे गुजारिश है कि इस मसले में तहकीकात की जाए 100% जनाब 100%। मुझे पूरी उम्मीद है कुपवाड़ा एसपी साहब पे और डीसी साहब पे जरूर इन्वेस्टिगेशन होगी और जितनी भी ऑफिसर साहब गुंडे, मुझे पूरी ट्रस्ट और पूरी उम्मीद है कि इंशाल्लाह रहमान पूरी इन्वेस्टिगेशन होगी और पूरी तहकीकात होगी।